मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की आधारशिला रखी है। आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी प्रदेश में होगी। प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है। 3200 किलोमीटर के कुल 13 एक्सप्रेसवे, जिनमें से 7 पर काम चल रहा है, जबकि 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित करेंगे। इसके माध्यम से बुंदेलखंड दिल्ली से सीधे जुड़ेगा। सीएम योगी ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन होते हैं, सड़कें तरक्की का आईना होती हैं। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने सड़कों के कायाकल्प को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किया है। गांव की गलियों से लेकर ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, दूसरे राज्यों, दूसरे देशों को जोड़ने वाले सड़कों का संजाल निर्मित किया गया है। 70 साल में केवल 1.5 एक्सप्रेस वे बने थे। NCR पश्चिम UP के लोगों की दशकों पुरानी मांग को डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे इसका उदाहरण है। साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। ये एक्सप्रेस वे न केवल पूरा पश्चिम की दूरी को कम करेगा, बल्कि दिलों को भी जोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा। हाईवेज एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। ये गलियारे तीव्र संतुलित समावेशी विकास के साथ साथ रोजगार की अपार संभावनाओं को गति देंगे। इसके लिए जमीनें चिन्हित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।